हे गाइस, राधे राधे। आज मैं माता रानी को आपको श्रृंगार करके दिखाऊंगी, माता रानी का श्रृंगार कैसे करते हैं। और हम पहले आपको लहंगा और चोली दिखा देती हूँ। लहंगा और चोली मैं कौन से कलर की पहनाऊंगी और किस तरह की पहनाती हूँ। लहंगा कुछ इस तरीके का है, ऊपर से दो नोट हैं ऐसे करके, कुछ इस तरीके का लहंगा है ये, और देखिए गाइस, और मैं माता रानी को यहाँ पे पहना दूँगी इसको यहाँ पे। हाँ, और आपका भी चोली दिखाते हैं गाइस। देखिए ये चोली है, माता रानी का चोली हम कैसे बनाएंगे वो देख लीजिएगा आप। माता रानी को हम चोली इस तरीके से बनाएंगे, कुछ इस तरीके से बनाएंगे। एक तरफ उधर डाल देना और एक इधर से निकाल के और पीछे की ओर बांध देंगे। कुछ इस तरीके से। अब मैं अभी आपको लहंगा पहले इसके पीछे से देखिए आई है। देखिए हमारी माता रानी कितनी सुंदर है। चलिए गाइस, मैं इनको लहंगा और चोली पहना देती हूँ। देखिए गाइस, मैंने माता रानी को लहंगा पहना दिया है। आपको ये मेरी मम्मी ने ही बनाया है लहंगा और चोली। देखिए सब कुछ। अब मैं आपको इनके ऊपर श्रृंगार करके दिखाती हूँ, मैं माता रानी का श्रृंगार किस तरह करती हूँ। गाइस देखिए, आज मैं माता रानी को वाला हार पहनाऊंगी, बहुत सुंदर हार है। चलिए हम माता रानी को हार पहनाते हैं। देखिए गाइस, मैंने पहना दिया है। अब एक और हार दिखाती हूँ मैं, जो एक और पहनाऊंगी। गाइस देखिए, एक ये हार है। इस तरीके का कुछ ये लड़ियों का हार तरीके का है। देखिए है माता रानी का मंगलसूत्र, और मैं अभी पहना के फिर दिखाती हूँ। ये देखिए गाइस, मैं माता रानी का मंगलसूत्र बना चुकी हूँ, और अब मैं इनको मुकुट लगाऊंगी और ये रेडी हो जाएंगी फिर, और इनको चुन्नी उड़ा दूंगी। देखिए गाइस, माता रानी हो चुकी है तैयार। और प्लीज कमेंट में जरूर बताइए कि माता रानी कैसी लग रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। बाय बाय गाइस।